बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिलीज और फ्रेंड के साथ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी सफ़ेद लोबिया। सफ़ेद लोबिया किस तरह और किस तरीके से बनेगा ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। ये मैंने सफ़ेद लोबिया 1 किलो लिया है और इस लोबिया को मैंने अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया है। 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था। ये बड़े साइज़ के आलू हैं, ये मैंने 1 किलो लिए हैं और मैंने इनकी कटिंग ये देखें इस तरह की है। आपने भी इसी तरह की कटिंग करनी है, बहुत छोटे नहीं करने। ये प्याज मैंने 2 अदद लिए हैं, टमाटर 3 अदद, लाल मिर्च 3 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 2 खाने के चम्मच, कोरमा मसाला 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इसमें मैंने 1 चाय के चम्मच नमक भी शामिल किया है और साबुत धनिया ये 1 चम्मच, सब्ज़ मिर्च 6 अदद, और ये धनिया की पत्तियां गार्निश के लिए। अब सबसे पहले पत्ते मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। अब मैं प्याज शामिल करूंगी और प्याज को मैं फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब मैं टमाटर शामिल करूँगी। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। अब मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी। अब मैं हल्दी पाउडर शामिल करूंगी। अब मैं कोरमा मसाला शामिल करूंगी। मसाला भून चुका है, अब मैं लोबिया शामिल करूंगी। अब मैं आलू शामिल करूंगी। अब मैं हरी मिर्च शामिल करूंगी। माशाल्लाह से हमारा सफ़ेद लोबिया का सालन तैयार हो गया है। अब मैं इसे गरम मसाले में सर्व करूंगी ऊपर। अब मैं इसे बाउल में सर्व करके आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारा लोबिया का सालन तैयार हो गया है, देखें कितना खूबसूरत बना है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आखिर में जो वीडियोज़ हैं इनको ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।